सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 66 कोड है। चलिए सवाल नंबर वन से चलते हैं। सवाल नंबर वन है, यहाँ पर देखिएगा TRN 66, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर वन कहता है A/5 बराबर B/6 बराबर C/7, तो A/B/C=1। कुछ नहीं करना, जो नीचे लिखा हुआ है बस उसको लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। नीचे जो लिखा हुआ है वही अनुपात होता है, बराबर को हटाते हैं वही अनुपात बन जाता है। सवाल नंबर दो पर आइएगा। दो नंबर का था 624 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि इनका भाग का अनुपात हो जाए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहला काम इसको सीधा कीजिए। सीधा करने के लिए नीचे वाला का लघुत्तम समावर्तक लेते हैं। लघुत्तम समावर्तक 12 हो गया, 12 से गुना कर लेते हैं। 12 से गुना करने के बाद ये आपका हो जाएगा 6, 4, 3। अब टोटल 624 है, तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया, टोटल 4, 3, 7, 6, 13 13 हो गया। 13 से डिवाइड करेंगे तो टोटल ये डिवाइड होगा तो एक कलम का दाम निकलेगा। तो हमको आंसर पूछा जा रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा। सी का हिस्सा 3 है, तो 3 से गुना कर लेते हैं, आपका आंसर होगा। ये 48 बार में कट जाएगा, 8 + 24 = 4, बाकी 2, 4 + 12 = 14। तो आपका आंसर हो जाएगा सी का हिस्सा 144, यही आंसर हो जाएगा 144। चलिए सवाल नंबर तीन पर आइएगा। नन ऑफ दिस हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर पाँच पर आते हैं, पाँच को बनाते हैं। सवाल नंबर पाँच पर आइएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर पाँच पर, पाँच नंबर सवाल कहता है 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य, ध्यान देना है। सवाल नंबर पाँच आपका कहता है 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य। पाँच सवाल नंबर तीन है ना, हाँ, 5 केले तथा, तथा मतलब जोड़ होता है, 5 केले तथा 4 सेब, सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है। के बराबर दिया है तो बराबर हम कर दिए। एक तरफ केला को कीजिए, 5 केला है, 3 केला घट जाएगा तो 2 केला होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेब में से 4 सेब घट गया तो 3 सेब होगा। तो हमको पूछता है 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब होता है बटा, केला इस तरफ रहने दिए, सेब को उस तरफ लेकर आ गए, 3 यहाँ बचा हुआ है, बटा 2, तो बटा सिर्फ निकल गया तो यही तो अनुपात होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा केले अनुपात सेब बराबर 3:2 हो जाएगा, 3:2 यही उत्तर होगा, 3:2 आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर अगला पर चलते हैं, सवाल नंबर चार पर आइएगा, चार को देखिए। चार नंबर सवाल कहता है 1 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 cm² है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा² 6 गुना भुजा² है, तो यहाँ पर 150 है, 150 डाल दिए, तो भुजा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर बराबर, या 6 से काटेंगे 6 × 2 = 12, ये 25 बार में कट जाएगा, तो ये 25 हो गया, तो भुजा बराबर आपका कितना होगा, 5। तो आंसर पूछा जा रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यों, तो भुजा क्यूब होता है, तो यहाँ पर 5 का क्यूब हम कर लेते हैं, 5 का क्यूब 125 होगा, यही आंसर होगा 125। समझ में आ गया होगा, 125 इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़िएगा, 5 पर आइएगा, 5 को देखिए। सवाल नंबर 5, 5 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 5 कहता है यहाँ पर 500 मीटर की दौड़ में, सवाल यहां पर कहता है 500 मीटर की दौड़ में टोटल 500 मीटर की दौड़ में ए बी की गति का अनुपात 3:4 है। ए और बी की गति का अनुपात 3:4 ले लिए, ये चाल है। उसके बाद कहता है 140 मीटर आगे रहने पर ए कितनी दूरी से दौड़ को जीत जाएगा। इसका मतलब 140 मीटर 500 मीटर की दौड़ में 140 मीटर ए आगे रहता है, तो इसका मतलब 140 मीटर आगे रहता तो 140 मीटर इसको तय नहीं करना पड़ेगा, तो तय कितना करना पड़ेगा, 360। तो 360 की दूरी तय करना पड़ेगा ए, तो ए तय करेगा, तो ए का वैल्यू 3 है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमको कहता है कि कितना मीटर से जीत जाएगा,
तो 360 जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग करते हैं, और जिसको पता करना पड़ता है उससे गुणा करते हैं। तो बी से जीतेगा तो बी का वैल्यू 4 है, 4 पर हम चलते हैं। तो 120 बार में कट जाएगा, 1248 480 हो जाएगा। ये इसका मतलब है कि बी 480 मीटर की दूरी ही तय कर पाएगा, तो कितना मीटर से यह हारेगा? तो आप बोलेंगे 500 मीटर का दौड़ है, 480 तय कर लिया, तो 20 मीटर से हार जाएगा, या फिर बोल सकते हैं ये 20 मीटर से जीत जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, 20 मीटर आंसर हो गया, 20 मीटर। अगला सवाल है, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ध्यान देना। तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से क्या होता है। पहला यहां पर है, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 981 यहां पर दिया है, दूसरा दिया 971, तीसरा आपका है 964, चौथा आपका है 961। देखिए इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चौथा यहाँ पर दिया है, तो हमको पता नहीं कि कौन बड़ी से यहाँ पर होगा, वर्ग होगा। तो इसको काटने के लिए आप आइए सोचिए कि यहाँ पर है कि एक है, लास्ट में एक किसका स्क्वायर करने पर मिलता है? एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक होगा, या नौ का स्क्वायर कीजिएगा तो 981 होगा, ये होगा ना। तो इसका मतलब एक और नौ के बीच ही जो एक और नौ लास्ट में होना चाहिए और दहाई अंक पर कुछ और होगा तो उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 81 जैसे एक और नौ लिखे तो इसका मतलब ये 81 खत्म हो गए, बच गए ये तीन, नौ बच गया। तो नौ किसका स्क्वायर होता है? तीन। तो या तो ये 31 का स्क्वायर होगा या 39 का स्क्वायर होगा, यही दोनों में से कोई होना चाहिए क्योंकि 900 के करीब है। तो हम देख लेते हैं कि 31 का स्क्वायर ये पुरता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, 31 का स्क्वायर 961 होता है, 961 होता है 31 का स्क्वायर, और 39 का स्क्वायर ये आता ही क्या? 35 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 35 का स्क्वायर होता है 1225, लेकिन यहाँ 900 है तो ये 39 तो होगा कभी नहीं। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए क्या? 961 होना चाहिए 31 का स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन में डी नंबर है, ये आंसर होगा डी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 7 पर आइए, 7 को देखते हैं, 7 पर देखिएगा ध्यान से। 7 कहता है यहाँ पर, 7 नंबर, एक संख्या का दुगना, एक संख्या का दुगना बोला तो 2x हो गया, इसके आधे, आधा मतलब x बटा 2, आधे से 45 अधिक है। एक संख्या का दुगना इसके आधे से 45 अधिक है, तो 45 इसमें जोड़ना पड़ेगा, बीच में बराबर कर लेते हैं, इसको सिर्फ हल करना है। हल करने के बाद जो आंसर होगा वही उत्तर होगा। यहाँ पर 2 दुनी 4, 4 में से 2 चला, 1 चला गया 3, 3x बटा 2 हो जाएगा बराबर 15, 45 हो जाएगा, इसको 15 बार में काट सकते हैं, एक्स बार कितना होगा 30। तो आंसर पूछता है वह संख्या क्या है, तो संख्या 30 हो जाएगा। ऑप्शन से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सवाल कहता है एक संख्या का दुगना, तो 30 का दुगना कितना होगा 60, उस संख्या का आधा, तो 30 का आधा 15 का, 15 से 45 अधिक है, तो 15 में 45 जोड़िएगा तब ना 60 पास पहुंचेगा। तो ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, जो इच्छा है कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर यहां पर आइएगा, 8 पर आइएगा, 8 को बनाते हैं। सवाल नंबर 8 यहां पर कहता है आपका, 8 बोल रहा है कि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपया अर्जित करता है। M1 गुना D1 आपको सिखाए, M1 गुना D1 बटर W1 इक्वल टू M2 गुना D2 बटर W2। यहां पर है कि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपया कमाता है, जो वर्क होता है वो नीचे डालते हैं। तो हमको कहता है यहाँ पर 20 लड़के 7 दिनों में कितना रुपया अर्जित करेगा, एक्स डालिए। बस इसको कटाना है और कुछ नहीं करना है, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 60 बार में कट जाएगा, बस गुना कर लेते हैं, ये 240 गुना 7 हो जाएगा बराबर एक्स हो गया। यहाँ पर 0 7 चौक 28 के 8 बाकी 2 7 दूनी 14 दो 16, तो x बराबर 1680 हो जाएगा, जो कि यही उत्तर होगा, बी नंबर आंसर हो गया। सवाल नंबर 9 पर आइएगा, 9 को समझाते हैं, 9 पर आना है, 9 को देखिए। सवाल नंबर 9 यहां पर कहता है आपका, ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 9 पर, 9 नंबर यहां पर कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी होने पर दुकानदार 45,000 रुपया में 25 kg और अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो यहां पर सवाल कहता है कि 10% कमी होने पर, तो 45,000 में 10% कमी हुआ, तो कमी होना मतलब क्या? 90, इसका मतलब 90 का वैल्यू है, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग दे देते हैं। तो
25 वस्तु और अधिक खरीद सकता है, ये टाइप दूसरा है, इसको ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा, इसको दूसरे तरह से बनाना पड़ेगा, ध्यान देना है। सवाल कहता है यहाँ पर कि एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी हो गया तो 45,000 रुपया में 10% कमी हुआ तो मतलब कितना कमा, इसको पहले चेक कर लिए। तो यहाँ पर आपका कम गया 4500, यानी 4500 रुपया में 10% कमा, मतलब 4500 रुपया कमा, 4500 रुपया में 20 वस्तु और अधिक खरीद सकता है, यानी 4500 रुपया में 20 वस्तु अधिक खरीद सकता है। तो एक वस्तु का दाम, तो यहाँ 45 हम डिवाइड 20 वस्तु है ना, कितना वस्तु है 25 वस्तु अधिक खरीद सकता है, 25 से हम डिवाइड कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था, तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि 25 वस्तु का दाम 4500, तो एक वस्तु का दाम क्या होगा, इसको हमको ज्ञात करना पड़ेगा। इसको हम ज्ञात कर सकते हैं 900 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कटेगा। अब यहाँ पर हम कटा लेते हैं 5 एक आए 5 4 या 180 बार में कट जाएगा। इसका मतलब वस्तु का मूल्य अभी वर्तमान में कितना, 180। वर्तमान में 180 दो प्रकार से सवाल पूछता है कि वर्तमान में मूल्य क्या रह गया या घाटा मूल्य क्या रह गया, तो ये 180 होगा। अगर पूछता यहाँ पर वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, वास्तविक मूल्य मतलब पहले वाला जो ओरिजिनल था, तो उसको ज्ञात करने के लिए एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। तो 180 रुपया किलो क्यों पड़ा, 10% कमा तब ना, 10% कमी को 90, वास्तविक मूल्य 100 पर होता। जो नहीं पढ़े प्रतिशत 16 तकलीफ होगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ दिनों के बाद जब हम पढ़ाएंगे तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा, आपका आंसर 200 हो जाएगा, ये आंसर 200 हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 25 पर आइएगा, 25 को हम बनाते हैं, सवाल नंबर 25। देखिए सवाल नंबर 25 क्या कहता है, ध्यान देना, सवाल नंबर 25 यहाँ पर कहता है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए एक आदमी को कितने देर में पार कर जाएगी। सवाल सुनिएगा, यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन जा रही है। अब उसके बाद बोलते हैं 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबी मतलब 270 मीटर ये दूरी हो गया, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में, विपरीत मतलब उल्टा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 2 किलोमीटर यहाँ जोड़ दिए तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए एक आदमी को कितने देर में पार कर जाएगी। तो हमको समय पूछता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो चाल हो गया यह 27, लेकिन यह मीटर में है तो मीटर को मीटर और ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5 बार 18 से गुणा कर लेते हैं, बस इसका सॉल्यूशन करना आपका आंसर हो जाएगा। ये 5 और ऊपर 18 चला जाएगा, इसको 10 बार में काट सकते हैं और ये 2 बार में कट जाएगा, इक्वल टू 36 सेकंड, यानी 36 सेकंड में आपका आंसर हो गया। ट्रेन जो पढ़े हुए हैं तो तुरंत बना लिए होंगे, जो नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत होगा, तो हर चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो फिर मज़ा आ जाता है। सवाल नंबर 11 पर आइए, 11 को देखिए, सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11 कहता क्या है, 11 में कहता है एक नर्सरी में 500 पौधे हैं जिनमें से 5% गुलाब है, 5% गुलाब हो गया, उसके बाद कहता है 1% गेंदा है, 1% गेंदा है, तो बाकी पौधे की संख्या क्या है। तो यहाँ पर कहता है कि 5000 टोटल पौधा है, 5% खत्म हो गया तो 95 बचा, और 1% यहाँ पर और बच गई, खत्म हो गया तो 94 बचा, तो 94% अन्य है, तो 94% आप निकाल लीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करना है, 0 हो गया, 5 और 20 का 0 बाकी, 2 9 5 45 2 47, तो 4700 जो होगा अन्य पौधा होगा, यही आंसर 4700 हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 12 पर आइएगा, 12 को समझते हैं। सवाल नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है आपका, सवाल नंबर 12 यहाँ पर बोलता है कि राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना होता है, 40% में पास कर जाएगा, लेकिन राम ने 185 नंबर लाया और वो 15 अंकों से फेल कर गया, तो मतलब 15 अंक और देना पड़ेगा तब तो पास होगा ना, दोनों पास हो गया तो 40 कलम का दाम 200, तो एक कलम का दाम 5, तो आपको पूछा जा रहा है 100 पर निकालना है, तो 100 कलम का दाम 500 रुपया, तो यही अधिकतम अंक बोला जाएगा, या उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ पर पूछेगा तो फिर दूसरा पर हमको चलना पड़ेगा। यह अधिकतम अंक हुआ और ये पूर्णांक हुआ,
और दूसरा कुछ पूछेगा तो फिर दूसरा चीज हम ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको पूछता है कि यहाँ पर अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम अंक आपको बताना है। तो अधिकतम अंक ठीक है, आपका आंसर 500 ही होगा, आपका आंसर 500 होगा, ठीक है 500 आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 13 पर आइए। सवाल नंबर 13 कहता है, श्याम 1200 रुपया क्रय मूल्य वाली एक जोड़ी जूता किस अंकित मूल्य पर बेचे ताकि 16% का छूट देने के उपरांत भी 12% का लाभ हो, यानी 16% छूट देने के उपरांत भी 12% का लाभ हो, यह कहता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखिए, यहां पर कहता है कि 1200 रुपया क्रय मूल्य वाली है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान में रखना है कि क्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य पर या तो लाभ होता है या तो हानि होता है, इस पर छूट उट नहीं जाता है। तो क्रय मूल्य रहेगा तो लाभ हानि को ऊपर डालिएगा और रेस्ट चीज को नीचे डाल दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। या अंकित मूल्य रहेगा तो अंकित मूल्य पर छूट होता है, बट्टा होता है, बट्टा को ऊपर डाल देना है और नीचे जो बचेगा उसको डाल देना है। तो यहां पर दो चीज का कि 16% छूट देना है ताकि उसको 12% का लाभ हो, तो यहां पर क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर लाभ होता है, इसलिए 12% को ऊपर डालना पड़ेगा, 112 हो जाएगा। अब यहां 16% छूट, तो 16% छूट को 84 लिख सकते हैं, तब तो 16 होगा ना। तो अब इसको सिर्फ हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, इसको कटा सकते हैं, बढ़ सकते 84 7 हो गया। अब यहां पर हो जाएगा 112 पर 00/7, क्या ये होना चाहिए। अब इसको हल करना, हल करने के बाद जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा, बस इसको हल कर लीजिएगा, हल करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। इसके 7 से देखते हैं, 7 से कट रहा है क्या, 7 एकाई, हाँ 7 एकाई 7। अब यहाँ पर बच गया कितना, 4 7 6 42, यानी 1600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा 1600 आपका ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिज आंसर हो जाएगा, 1600 आंसर होना चाहिए, 1600 ऑप्शन में नहीं है, आंसर 1600 होगा। अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 14 कहते हैं, 14 को समझते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 को, 14 नंबर यहां कहता है, एक मछुआरा जल के विरुद्ध 20 मिनट में 2 किलोमीटर नाव चला सकता है। जल के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब उल्टा होता है, ये चाल है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 2 किलोमीटर की दूरी यहां पर 20 मिनट में, किलोमीटर के साथ घंटा होता है, इसलिए घंटा बनाने के 7 से डिवाइड किया, या 3 बार में कट जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद कहता है 15 मिनट में वापस आता है, जब विरुद्ध गया तो वापस आएगा प्लस में, नव धारा जो पढ़े होंगे उसको पता होना चाहिए, तो वापस आएगा जितना गया है उतना ही तो वापस आएगा, तो वापस आने में 15 मिनट का समय लगता है, तो 15 मिनट का समय लगता है तो यहाँ पर आपको 15 डालना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन ये किलोमीटर है, ये घंटा बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये 8 हो जाएगा। तो हमको कहता है कि जल धारा की गति क्या है, यानी जल धारा की गति मतलब वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान तैरने वाला आदमी का होता है और वाई का मान जल की गति होता है, वाई का मान ज्ञात करने के लिए शॉर्टकट प्रोसेस है, 1/2 ये दोनों को घटा दीजिए, 8 में से 6 को घटा लीजिए, हल कीजिएगा आंसर हो, 8 में से 6 हो जाएगा 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर होगा, यही आंसर हो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक्स का मान पूछता तो 1/2 दोनों को जोड़ देते, बस आंसर निकल जाता। अगला सवाल कहता है, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं अक्षर कौन सा होगा, यहां पर दाएं अक्षर कौन सा ये पता तो नहीं बता रही कि दाएं अक्षर कितना जाना है, उसके दाएं अक्षर तो बहुत सारा अक्षर हो सकता है, इसलिए इसमें पता नहीं कर पाएंगे, ज्ञात नहीं कर सकते, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ज्ञात कीजिएगा तो आपका कुछ भी आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका दाईं तरफ बहुत सारा अक्षर हो सकता है ना, बोलेगा ठीक दाईं तरफ कौन सा अक्षर होगा, तो हम इसमें बस सीरियल वाइज फिर ले सकते थे, लेकिन ठीक कुछ नहीं कहा है, इसलिए इसमें कुछ कहना मुश्किल है। अगला सवाल यहां पर कहता है MEAN, कल भी इस तरह का सवाल आपका आया था, MEAN ध्यान देना है, MEAN यहां पर MEAN 16 नंबर है, MEAN इसका मतलब है 5 1 2 3, उसके बाद फिर कहता है एन ओ डब्ल्यू, इसका मतलब है 368, तो हमको लिखना है एम ओ ए एन, तो एम का मतलब ये 5 है तो 5 लिख लेते हैं, ओ 2 नंबर पर 6 हो गया,
ए तो इधर से दूसरा है, तो इधर से दूसरा दो हो गया। एन तो एन यहाँ पर फर्स्ट है तीन, ये 56 आपका आंसर हो जाएगा। 56 आपका ऑप्शन में ए नंबर है, आंसर ए नंबर हो जाएगा। 17 नंबर ये सीरीज है, सीरीज को दिमाग लगा के आप उत्तर देंगे कि आखिरकार आपका आंसर क्या आता है। सीरीज को आप दिमाग लगा के उत्तर दीजिए, क्योंकि सीरीज जो है आपको सोचना पड़ेगा अच्छे से। 18 नंबर पर आइए, सवाल नंबर 18। देखिए सवाल नंबर 18 यहां पर है, यदि किसी महीने के 7 तारीख को शुक्रवार है, 7 तारीख को शुक्रवार है, तो हमको पूछता है कि 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी भी डेट में 7, 14, 21, 28 को जोड़ते हैं तो वही दिन रिपीट कर जाता है। तो हमको कहता है कि 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप बताइए कि 7 में कितना जोड़ दे ताकि 27 फर्स्ट पहुंच जाए। तो यहां पर हम बोलेंगे कि 7 में 21 को जोड़ते हैं, 28 तक पहुंच जाएंगे, एक बैक आ जाएंगे। तो 7 + 21 को जोड़ते हैं तो 28 तारीख आपका शुक्रवार बनता है, जो कि 28 तारीख शुक्रवार हो गया। तो 27 तारीख चाहिए तो ये एक दिन पीछे आ जाइए, तो 27 तारीख शुक्रवार के पीछे गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर होगा गुरुवार, आंसर हो गया गुरुवार, यानी आपका बृहस्पतिवार आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 19 पर आइए। 19 नंबर कहा था कि एम एन संबंधित है पीओ से, एमएन संबंधित है पीओ से, तो आईजी जो है संबंधित है जेके से, तो हमको चाहिए टीडब्ल्यू। तो सोचिए ये 13, 14, 15 ये दिया, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 और 11 यही है ना। तो देखते हैं 13 से यहाँ पर 16 हो गया, 3 बार, या 9 से आपका 10 हो गया। यह है आई जे एल के है ना, सॉरी एल के दिया है, जे के नहीं, एल के, यह 12 हो जाएगा। या 13 से 16 हुआ 3 बार, 9 से 12 हो गया 3 बार, तो यहाँ 20 से 3 बार आएगा डब्लू होगा, और 14 से 15 हुआ 1 बार, 10 से 11 हुआ 1 बार, तो 23 से 1 बार रहेगा एक्स होगा डब्ल्यू एक्स आपका आंसर होगा। ये उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स कोई नहीं है, डब्ल्यू एक्स आपका आंसर होना चाहिए, डब्ल्यू एक्स होगा, क्योंकि इसमें 3 जोड़िएगा 20, 23 होगा, 13, 3, 16 हुआ, 9, 3, 12 हुआ, तो यहाँ 20, 23 होगा, डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू एक्स आपका आंसर होगा। डब्ल्यू एक्स ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लिए, डब्ल्यू एक्स होगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, अगला सवाल आप खोज के बताएंगे कि आपका भिन्न कौन होता है, इसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बना देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, पूरी तरह कन्फर्मिंग नहीं बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होता है। देखिए यहाँ पर कहता है ए नंबर बी डी एच, दूसरा बोलता है सी एफ एल, तीसरा यहाँ पर कह रहा है, तीसरा कहता है ई जे यू, और चौथा यहां पर कहता है डी एच बी। ये तो देखिए 2, 4, 8, 3, 6, 12, 5, 10, 21, 4, 8, 16, तो देखिए क्या किया है, इसका दोगुना इसका दोगुना, इसका दोगुना इसका दोगुना, ठीक है, इसका दोगुना इसका दोगुना होना चाहिए, यहां पर इसका दोगुना हो गया, लेकिन इसका दोगुना नहीं हो रहा है, 5 × 2 = 10, 20 होना चाहिए ना, लेकिन 21 दिया तो यही आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल कहता है एक पंक्ति में मोहन पीछे से 15वां है, तो पीछे से 15वां है तो आगे से क्या होगा, यहाँ टोटल आदमी की संख्या नहीं दिया है, इसलिए पीछे से 15वां है, आगे से क्या होगा हम नहीं बता सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। ये 22 नंबर सवाल पर आएंगे, 22 नंबर सवाल जो है ना कुछ गड़बड़ बुझा रहा है, इसको आप सेटिंग करके चेक कीजिएगा, ये 22 नंबर कुछ गड़बड़ी है, इसमें पूरी तरह सेट नहीं हो रहा है, इसलिए 22 को हटा लेंगे, अपना सेट करके देखिएगा, चेक करके देखिएगा सीरीज है कि आंसर पोर्टा कि नहीं पोर्टा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल आना है 23 पर आइएगा, 23 नंबर सवाल का आता है, ध्यान देना है 3, 8, 4, 48, तो यहाँ पर हमको बनाना है 5, 7, 2, 8 + 24, 24 + 96, यहाँ पर 96 होगा ना, हाँ 96 हो जाएगा, 96 का आधा 48 होता है, तो 7 + 5 = 35, 2 × 70, तो 70 का आधा यहाँ पर क्या होगा 35, यही आंसर हो गया 35, यानी सबको गुना करके हाफ कर दिया, यही आंसर हो रहा है। अगला सवाल का आता है
कि अप्रैल मई सितंबर जुलाई और नवंबर में भिन्न कौन है? भिन्न कौन है, सबसे अलग कौन है? तो अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है उसको देख लीजिए, मई कितने दिन का होता है, सितंबर को देख लीजिए, जुलाई को देख लीजिए और नवंबर को देख लीजिए, जो सबसे अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कितने दिन का होता है। यहाँ पर अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तीसरा होता है, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 31 पर चला जाएगा। सितंबर तीसरा होगा, फिर जुलाई यहाँ पर 31, नवंबर तीसरा। तो हमको यहाँ पर तो दो ऑप्शन मिल रहा है, 31 दो को मिल रहा है आपको, 31 दो मिल रहा है, इसमें कंफर्मिंग नहीं बता सकते। तीन को तो तीसरा है और दो 31 है, एक 31 होना चाहिए, दो 31 नहीं होना चाहिए, इस कारण से कंफर्मिंग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसका ऑप्शन बी और डी दोनों में से कोई एक होगा, कंफर्म नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन लड़ रहा है, तो भिन्न छांटना मुश्किल हो जाएगा। अगले सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 25 पर आइए, 25 पर आइए, 25 को समझिए। 25 नंबर कहता है 9 25 49, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 5 7 9, 9 के स्क्वायर 81 होना चाहिए, 81 आपका आंसर होगा। कबूतर, चिड़िया, कुत्ता, तीनों अलग अलग कैटेगरी का है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कबूतर भी अलग है, चिड़िया भी अलग है और कुत्ता भी अलग है, ऑप्शन नंबर सी होगा। शेर, मांद, खरगोश, बिल, यानी शेर जो है मांद में रहता है, खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है, छेद में नहीं, छेद तो छोटा सा भी आता है, गड्ढा भी नहीं रहेगा, खाई भी नहीं रहेगा, आपका आंसर बिल में होगा। अगला सवाल 28 पर आइएगा, 28 को बनाइएगा, 28 नंबर देखिए ध्यान से, 28 नंबर सवाल का था कि अमर ने सुमन से कहा, अमन, अमन ने सुमन से कहा, यहां पर सुमन से कहा तुम मेरे, अमन ने सुमन से कहा, इससे कहा तुम जो है मेरे पोते के, ये आदमी को बारे में बोला, तुम जो है मेरे पोता, मेरा पोता मतलब क्या, इसका बेटा पहले आएगा, बेटा का बेटा होगा वही पोता, तुम जो है मेरे पोते के चचेरे भाई, तो इसका पोता का चचेरा भाई, तो चचेरा भाई मतलब क्या, इसका भाई होना चाहिए, चाचा होना चाहिए, चाचा का बेटा होना चाहिए, चचेरा भाई, चचेरे भाई के पिता, चचेरे भाई हो गया के पिता, तो यही होगा, चचेरे भाई के पिता के पिता हो, तो चचेरे भाई के पिता हो इसको कहता है, तो चचेरे भाई के पिता हो, तो इसका मतलब इसका पिता ये होना चाहिए। तो आंसर पूछा जा रहा है कि अमन, अमन का सुमन से क्या संबंध है, देखिएगा ध्यान से, अमन ने सुमन से कहा, अमन जो है सुमन से कहता है तुम जो है तुम मेरे पोते के, तुम जो है मेरा पोता का, यह आदमी इसका पोता का, इसका पोता कौन होगा, तो इसका बेटा का बेटा पोता होगा, तुम मेरे पोते के चचेरे भाई, तो इसके पोता का चचेरा भाई निकाल लिया, चचेरा भाई मतलब इसका चाचा होगा, चाचा का बेटा, चचेरा भाई के पिता, चचेरा भाई का पिता तो यही खुद होगा, चचेरा भाई के पिता हो, अच्छा चचेरा भाई के पिता हो, तो चचेरा भाई के पिता हो, मतलब यहां पर है इसका बाप ये होगा सुमन, हो गया। तो आंसर पूछा जा रहा है, तो बताइए कि अमन का सुमन से क्या संबंध, अमन जो है सुमन से क्या संबंध है, सुमन का कौन होगा बेटा, तो बेटा इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, बेटा का नन ऑफ दिज आंसर होना चाहिए, नन ऑफ दिज इसका आंसर बनेगा। एक बार फिर से डायग्राम को हम कर देते हैं क्योंकि सवाल गड़बड़ बुझा रहा है, एक बार फिर से हम बना देते हैं, देखिए डायग्राम को एक बार फिर से हम खींचते हैं। सवाल कहा था अमन ने सुमन से कहा, अमन कोई आदमी है, अमन ने सुमन से कहा, ये सुमन है, सुमन से कहा तुम जो है मेरे पोते, तो तुम जो है मेरा पोता, पोता मतलब इसका बेटा का बेटा पोता हो गया, तुम जो है मेरे पोते के चचेरे भाई, चचेरे भाई मतलब क्या, इसका चचा होगा, चचा का बेटा, चचेरा भाई, तुम मेरे पोते के चचेरे भाई के पिता हो, चचेरे भाई के पिता हो,
मतलब क्या इसका बाप होना चाहिए, तो इसका बाप तो यहाँ पर है ही है, तो दोनों तो एक क्या आदमी होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन में कुछ नहीं कह रहा है। इसी कारण से अमन का सुमन से क्या संबंध, अमन और सुमन दोनों एक ही आदमी होना चाहिए, ये सवाल गड़बड़ है, इसका आंसर नहीं बनेगा। एक किताब में सदैव होता है, किताब में क्या होता है, पृष्ठ होता है, पृष्ठ के बिना किताब नहीं बन सकता है, इसलिए पृष्ठ आंसर होगा। और अगला का आंसर दीजिएगा, अस्पताल में क्या होता है हमेशा, इसको देखिए। नाटक में सदैव क्या होता है, कलाकार, कहानी, निर्देशक, दर्शक। तो इसमें आपका कलाकार या कहानी, इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, इसको सोच के ये दोनों का आंसर देना है कि आपका आंसर क्या बनता है, क्योंकि आपके किताब में बहुत सारा चीज दिया है, उसको समझना है कि आखिर हमको सोचना क्या है। सोचना है क्या कि नाटक में क्या हमेशा होता है, सोच के इसका जवाब देना है कि हमेशा क्या होता है। अगला सवाल 32 पर आइएगा, 32 को आते हैं। 32 नंबर है TRPNL 20, 18, 16, 14, 12 चार घटा यहाँ पर, फिर सॉरी दो घट रहा है ना, हाँ दो घटा, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, तो दो घटेगा तो यहाँ पर जे हो जाएगा, आपका आंसर जे होगा। जे जे एक ही ऑप्शन में जे एच आंसर हो गया। उसके बाद आगे है BEINT 2, 5, 9, 14, 20 देखिए यहाँ पर 3 बारह, फिर यहाँ पर 4 बारह, फिर 5 बारह, फिर 6 बारह, तो फिर क्या बढ़ेगा, 7 बारेगा, तो 7 बारेगा तो 27 होगा, 27वां लेटर क्या होता है, ए, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए, समझ में आ गया, ये आंसर हो। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के ट्रिक्स एंड ट्रिक्स से जय हिंद।